नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, कोई किसी प्रकार का झंझट नहीं, चलते हैं सीधे वीडियो की ओर। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि अपने भारत में लायर, एडवोकेट, बैरिस्टर में क्या अंतर है, क्योंकि आप लोगों के सामने कई बार ये नाम आते हैं, लायर, एडवोकेट, बैरिस्टर। तो आज इन तीनों में क्या अंतर है, मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को आप लोग बिल्कुल मिस नहीं करिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि एडवोकेट किसे कहते हैं। एडवोकेट को आमतौर पर वकील को ही कहा जाता है, और यह वह व्यक्ति होता है जो कानून की पढ़ाई को पूरी कर लेता है, मतलब LLB कर लिया होता है, और उसके बाद कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो उसे एडवोकेट कहते हैं। और एडवोकेट वह होता है जिसको कोर्ट में किसी अन्य व्यक्ति की तरफ से प्रतिपादन करने का अधिकार प्राप्त हो। आसान शब्दों में कहें तो एडवोकेट दूसरे व्यक्ति की तरफ से दलीलों को कोर्ट में प्रस्तुत करता है। अधिवक्ता बनने के लिए कानून की पढ़ाई पूरी करना अनिवार्य होता है, जिसको ला कहते हैं। मतलब कि ला दो प्रकार से होता है, मैं पहले ही बताया हूँ। चाहे LLB करने के लिए आपको इंटर पास करेंगे तो 5 साल का कोर्स होता है, अगर आप ग्रेजुएशन करने की बात करेंगे तो 3 साल का कोर्स होता है, और वकील बनने के लिए ये कोर्स को पूरा करना ही पड़ेगा आपको। लायर कौन होता है? तो दोस्तों, लायर वो होता है जो लॉ की डिग्री प्राप्त कर लेता है, मतलब कि जो LLB कर लिया है वो लायर हो जाता है। लायर वह होता है जिसके पास लॉ की डिग्री होती है, जो कानून के क्षेत्र में प्रशिक्षित होता है और कानूनी मामलों पर सलाह और सहायता प्रदान करता है, यानी विधि स्नातक, कानून का जानकार, जिसने LLB की डिग्री ले ली हो वह लायर बन जाता है। उसके पास कोर्ट में केस लड़ने की अनुमति नहीं होती है, लेकिन जैसे ही उसको बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया BCI से सनद मिलती है, वह BCI की परीक्षा को पास कर लेता है तो किसी भी कोर्ट में खड़े होने के लिए अधिकृत हो जाता है, और वह तब उस समय एडवोकेट माना जाएगा। अब दोस्तों, जान लेते हैं कि बैरिस्टर किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जो अपने भारत में LLB करते हैं और लॉ की डिग्री लेते हैं तो वो लायर कहे जाते हैं, और वही व्यक्ति अगर इंग्लैंड में जाकर के लॉ की डिग्री लेते हैं तो बैरिस्टर कहे जाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि महात्मा गांधी जी के परिवार के चाहते थे कि ये बैरिस्टर बने, तो उसके लिए वो इंग्लैंड चले जाते हैं 19 साल की उम्र में, और जब वहाँ से लॉ की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं तो सीधे बैरिस्टर बन के आते हैं। तो दोस्तों, जो हिंदुस्तान में लायर कहे जाते हैं वही इंग्लैंड में बैरिस्टर कहे जाते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। इससे ये पता चलता है कि बैरिस्टर भी एक प्रकार का वकील ही होता है जो कोर्ट में प्रैक्टिस करता है। तो दोस्तों, अब आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा कि लायर, एडवोकेट और बैरिस्टर में क्या अंतर है।